नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए संकेत, कहा काम धंधे उजाड़ना हमारी सरकार का मकसद नहीं। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताई चिंता, कहा लोग सावधानी बरतें नहीं तो उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौत पर मुआवजे की प्रक्रिया हुई शुरू, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 50,000 तक का मुआवजा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का अहम फैसला, अभी जारी रहेंगी ऑफलाइन क्लासेस। प्रदेश में अब सूदखोरों पर कसेगा सरकार का शिकंजा, पुलिस करेगी सहकारी लाइसेंस की जांच। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा राहुल गांधी, ममता बनर्जी और कमलनाथ पर निशाना, कहा ये लोग मंदिरों में जा रहे हैं, अब और कितने अच्छे दिन चाहिए। प्रदेश में बैंक कर्मी आगामी 16 और 17 दिसंबर को निजीकरण के विरोध में करेंगे बैंक हड़ताल, लगभग 7,000 कर्मचारी नहीं करेंगे काम। भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी कल, कई जगह हो सकते हैं धरना प्रदर्शन। भोपाल में पकड़ाई नकली सैनिटाइजर की खेप, आरोपी लंबे समय से बना रहे थे नकली सैनिटाइजर, रातीबड़ थाना क्षेत्र की घटना। और प्रदेश में खुशनुमा हुआ मौसम, कई शहरों में बादल और बारिश का अनुमान, ठंड भी बढ़ेगी, मौसम विभाग का अनुमान, अभी 2-3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम।